साथियों, हम हैं जी राजस्थान के टूर पे, और राजस्थान के टूर पे हम हैं बीकानेर में। बीकानेर से अब हम आए हैं अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पे पड़ता है टेंपल, जो कि माँ करनी का टेंपल है। ये है दैशनोक करके जगह है, तो दैशनोक जगह में माँ करनी माता का टेंपल है, तो ये दैशनोक है जी। ये है जी, ये टेंपल है जी, यहाँ इसे टेंपल ऑफ रैट्स भी कहते हैं। ये है जी टेंपल। तो हम जैसे हैं जी राजस्थान की यात्रा पे, राजस्थान में हम हैं बीकानेर में। बीकानेर में अब आए हैं जी हम 30 किलोमीटर दूर दैशनोक करके जगह है, ये फेमस है माँ करनी टेंपल के नाम पे। तो माँ करनी का टेंपल है यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये आप टेंपल देखिए, ये है माँ करनी का टेंपल। ये बहुत पुराना टेंपल है जी, ये पूरा कम्प्लेक्स है, यहाँ से एंट्री है। तो ये माँ करनी जी का टेंपल है। चारण कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में रहती है, राजस्थान में रहती है, इंडिया में और गुजरात में, तो चारण राजपूत कम्युनिटी है, तो उसी में से हुए हैं माता करनी जी। माता करनी जी एक्चुअली उनकी शादी हो गई थी, माँ करनी जी को हिंगलाज जो शक्तिपीठ है बलूचिस्तान में पाकिस्तान में, तो उनके हिंगलाज मतलब 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से हिंगलाज देवी एक है। तो हिंगलाज जी दुर्गा जी का रूप माना जाता है, हिंगलाज देवी जी को। तो दुर्गा जी के रूप में माँ करनी जी को हिंगलाज देवी जी के आगे इनकार्निनेशन या एक अवतार के रूप में आप समझिए कि उनको एक हिंगलाज देवी जो थे उनके अवतार के रूप में माना जाता है। तो जो चारण कम्युनिटी है मेनली उनमें से ये उनमें पैदा हुए हैं, और इन्होंने शादी इनकी हो गई थी लेकिन इनका ध्यान सांसारिक कामों की तरफ नहीं था, क्योंकि ये एक अवतार मानी जाती हैं देवी की, तो वो उनका सांसारिक कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं था, रुचि नहीं थी, और वो अध्यात्मिक में अपने रास्ते पर चल रही थी। तो उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी गई दीप जी से, लेकिन वो उनके हस्बैंड को उन्होंने सांसारिक सुख देने के लिए जो बहन थी छोटी गुलाब जी उनके साथ उनकी शादी कर दी वो यहाँ पे। तो उनका जो गुलाब जी और उनके हस्बैंड से जो बेटा था लक्ष्मण, वो उनको बहुत प्रिय था। तो वो कहते हैं कि एक बार लक्ष्मण जहाँ कपिल तालाब था वहाँ पर डूब गए थे, तो वो माँ करनी ने वहाँ अपने बेटे लखन को, जो कि वहाँ पे लक्ष्मण कहेंगे या लखन उनको, तो वो वहाँ पे उन्होंने उसको लेके मंदिर में कह रहे अंदर गए, और फिर उन्होंने जमराज जी को बुलाया, तो जमराज ने पहले तो उन्हें जिंदा करने से मना कर दिया, लेकिन जब उनको पता चला बाद में तो वो पछताया, लेकिन उसके पछतावे के रूप में, क्योंकि माँ करनी एक देवी थी तो हिमलाज देवी जी का अवतार थी, तो उनको जमराज जी को जो उनके सारे पुत्र थे उनको उन्होंने वरदान दिया। तो ये वो यहाँ पे कहते हैं कि 25,000 रैट्स हैं, तो उन्हीं की ही वो आगे संतान है कि कभी वो रैट के रूप में, फिर इंसान के रूप में, और फिर रैट के रूप में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 25,000 चूहे हैं अंदर, जो काले चूहे हैं जिनको काबाज भी कहते हैं चारण कम्युनिटी में, वो पूजनीय है, तो उनका जूठा प्रसाद खाया जाता है और उनकी जूठन को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के माँ करनी के जो बेटे माने जाते हैं। तो और जहाँ सफ़ेद रैट भी है, और जहाँ पे ये भी फेमस है कि अगर रैट आपके यहाँ पे पैर के नीचे आके मर जाता है तो आपको सोने का या चांदी का रैट चढ़ाना होगा, तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे। यहाँ क्योंकि माँ करनी के बेटे समझे जाते हैं, तो इसलिए इनकी पूजा होती है माँ करनी के साथ ही। तो यहाँ पे ये मंदिर है जो कि वर्ल्ड में जो जहाँ 25,000 अप्रोक्सीमेटली रैट्स हैं, ब्लैक रैट्स और सफ़ेद रैट हैं। तो ये है जी माँ करनी का टेंपल, जो कि है राजस्थान में बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये सारा कम्प्लेक्स है जी, तो चलते हैं देखते हैं, कैमरा अंदर अगर अलाउड है तो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं। तो ये माँ करनी जी का टेंपल जी, टेंपल का एंट्री गेट। तो चलते हैं अंदर, टिकट है कैमरे की, तो देखते हैं अंदर, कैमरे की टिकट लेते हैं। तो मेनली ये टेंपल है जी करनी माता जी का, माँ करनी का। तो अंदर चलते हैं जी, तो हम अंदर आ गए हैं जी मंदिर में।
तो ये माँ करनी का मंदिर है, जैसे आप देखोगे ये है जी, इधर से है ये एक मंदिर है मेन जो आप देखोगे। तो यहाँ पे ऐसे जैसे आप देखोगे, ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे हैं, तो ये ऐसे हैं जी, ये जो रैट हैं ऐसे आप देखेंगे रैट, ये ऐसे है जी, ये सारा इनके लिए भोजन वगैरह पानी का ये बंदोबस्त है। तो यहाँ पे ये हर जगह आप देखेंगे, तो ये सारे जगह देखेंगे आप, तो ये रैट है जो कि बेटे हैं करनी माता जी के, तो उनका ये सारा है। तो ये है जी माँ करनी का, ये जैसे रैट हैं जी इधर, ये टेंपल है। ये जैसे दूध रखा गया है जी प्रसाद के रूम में, ये रैट के लिए, ये ऐसे है जी ऊपर, हाँ टिकट ले दी। थैंक यू। ये माता करनी जी का टेंपल है जी, सारा आपने देखा। तो वो मेन टेंपल था जी, उसके साथ में इधर टेंपल है, तो ये मेन टेंपल है जी सारा। तो ये माँ करनी का टेंपल है जो कि है दशनोक में। ये आप देखेंगे जी, मस्जिद क्या हो जा रहा है साल आ जाओ नजार और करना। ये ऐसे है जी ये रेड टेंपल, तो यहाँ पे तो ये जैसे आपने देखा जी, ये था माँ करनी का मंदिर जो कि है दशनोक में बीकानेर में। तो इसमें आपने देखा ये टेंपल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है, तो ये उनके बेटों के एक तरह से माने जाते हैं, बेटे माने जाते हैं जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं कि 25,000। लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे मंदिर कभी को ये नहीं तो चूहों की आदत होती है, खोखला करते थे हैं जैसे ये, तो इस मंदिर में इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई और कभी भी यहाँ पर इन पर अटैक नहीं होता। इतने यहाँ पे चूहे हैं तो ये कभी भी इन पे अटैक नहीं होता और कभी भी यहाँ पे बिल्लियाँ नहीं आती या ईगल वगैरह या बाज वगैरह इनसे अटैक नहीं होता, तो ये कृपा मानी जाती है। तो 500 सालों से ये मंदिर ऐसे ही खड़ा है जो माँ करनी के रूप में। और माँ करनी का एक बहुत बड़ा एक ये भी रहा है कि जो भाटी और राठौर राजाओं में आपस में इनका बहुत दुश्मनी रही है, तो उन्होंने जब जो बीकानेर के राठौर वंश से बीका राव जो थे जिन्होंने बीकानेर बनाया, उनकी शादी उन्होंने जो राव शेखा थे पुंगल के जो कि भाटी कम्युनिटी से थे उनसे कराई, ताकि इन दोनों कम्युनिटियों में भी शांति बनी रहे। तो माँ करनी के बड़े उपकार हैं जी इस राज्य पे। तो यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, और चारण कम्युनिटी में से हुई है, तो चारण राजपूत कम्युनिटी है जो कि पाकिस्तान में राजस्थान गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये सारा टेंपल है जी जो कि मेनली टेंपल ऑफ रेड भी कहते हैं इसे, जो माँ करनी जो कि हिमलाज माता का रूप रही हैं।
तो ये है करनी माता टेंपल, जो कि है दशनोक में, बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर पे। ठीक है जी, चलते हैं साथियों।